आपको बता दें दिल्ली से इस पर सामने आ रही है, शराब नीति के बाद डीटीसी घोटाले में एफआईआर। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया है ट्वीट, ये जानकारी देते हुए बताया सीबीआई ने बस खरीद मामले में दर्ज की है एफआईआर। बस खरीद और रखरखाव में घोटाले के आरोप लगातार बताए गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने अब बस खरीद मामले में दर्ज एफआईआर कर ली है, जहां पर बस को खरीदने को लेकर और उसके रखरखाव को लेकर घोटाले की बात सामने आई है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में आपको लेकर तमाम चीजें खत्म भी नहीं हुई थी कि इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है, जहां बस खरीद और उसके रखरखाव को लेकर घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई ने बस खरीद मामले में एफआईआर तक दर्ज कर ली है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस खरीद और रखरखाव में घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए हैं, दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां शराब नीति के बाद अब डीटीसी घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है, तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सीबीआई ने बस खरीद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार शराब नीति के बाद अब डीटीसी घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर डीटीसी बसों की खरीद और उसके रखरखाव को लेकर बीच में कहीं घोटाला हुआ है, इसको लेकर अब सीबीआई जो है शिकंजा कसती हुई लगातार नजर आ रही है, जहां पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया है। बस खरीद और रखरखाव में घोटाले की बात निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर सीबीआई काफी सतर्क नजर आ रही है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि शराब नीति के बाद अब डीटीसी घोटाले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है, जहां पर सीबीआई का एक और कड़ा एक्शन नजर आ रहा है। बस खरीद और रखरखाव में घोटाला हुआ है, और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? जी हाँ शिवानी, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक लगातार आबकारी नीति को लेकर जहाँ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार सीबीआई ने रेड करी, और उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईडी भी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, वहीं अभी सबसे कुछ ही देर पहले कि लगातार विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी डीटीसी बसे की खरीद हुई थी और उनके रखरखाव में जो भी पैसा खर्च हुआ है उसको लेकर अब सीबीआई ने एक और प्राथमिकी दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सीबीआई एक बार इस पूरे मामले की जांच करेगी कि कहां इस पूरे मामले में खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ है। और ऐसे कौन कौन से बड़े नाम है इस पूरी एफआईआर में, क्या उसको लेकर आपको कोई जानकारी मिली हो अब तक? मैं आपको बता दूं कि अभी पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आ रही है, अभी सिर्फ इतना ही डिटेल आई है कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी कुछ समय लगेगा कि किस किस के नाम पे प्राथमिकी दर्ज की गई है और कि कौन कौन ने लोग इसमें शामिल हैं और सीबीआई किस तरीके से इस पूरे मामले में छानबीन करेगी, इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा पूरी जानकारी सामने आने में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है वो एक बार फिर से बिल्कुल देखिए, एक तरफ सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, और अब एक बार फिर से बस घोटाले को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है सदे के घेरे में गिरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है और जैसे जैसे वो चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो लगातार एक बयानबाजी कर रही है सामने की कि अब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बौखला रही है, और इसी तरीके से वो लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और इसी के लिए आम आदमी पार्टी के पीछे लगातार सीबीआई और ईडी वो उन्होंने लगा रखी है ताकि कहीं ना कहीं वो मोहम्मद देखिए लगातार आरोप प्रति आरोप की राजनीति तो दिल्ली में देखने को ही मिल रही है, लेकिन इस बीच सीबीआई का यह बड़ा एक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है, सीबीआई ने बस खरीद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, यानी कि आम आदमी की पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने क्या ट्वीट किया है, डीटीसी में 5000 करोड़ रुपए के बस खरीद और रखरखाव घोटाले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है।
तो एफआईआर पर विजेंद्र गुप्ता ने ये ट्वीट कर सभी को जानकारी दी। डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए के बस खरीद और रख रखाव घोटाले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला यहां पर बताया जा रहा है, जिसको लेकर खरीद और रख रखाव की बात की गई थी, लेकिन बीच में ही पैसे जो हैं उसकी हेराफेरी की बात सामने आई है।